आप एक चीज छोड़ेंगे तो वो यहाँ से निकल जाएगी, छूटेगी यहाँ से पूरी ही निकल जाएगी, इसलिए वो कहीं और जगह नहीं घिसने वाली। ये जो यहाँ छेद कर दिया है इसका फायदा है, जो आदत हो उसको विचार मन में ले लें और यहाँ रख करके उसको निकालें। कहाँ पर वो आदत है आपको वहीं भारीपन लगेगा, नाभि पर। किसी को खाने की आदत है बहुत ज़्यादा, अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा, नाभि पर ध्यान, नाभि आप यूँ करें, नाभि से लेकर के उसको धीरे 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 करके निकाल दीजिए, सब निकल, सब आपके यहाँ से निकलेंगी, सब गंदगी यहाँ से निकलेगी, सब अब उल्टी तरफ, उल्टा पवन चल रहा है, उल्टी तरफ से चलेगी। अभी देवड़े साहब ने मुझे बताया कि मैं यहाँ से अविश्वास लेता हूँ, सच्ची बात है, श्वास देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद सब यहाँ से, आखिर सब चेतना ही की वजह से होता है, और जब चेतना यहीं पर आ गई तो सब यहीं से हृदय का स्पंदन, सारे शरीर का कार्य यहाँ से प्रमाण है। इसमें कोई सी भी ऐसी बात जिसको आप निकालना चाहते हैं अपने अंदर से, उसको आप बस दबा करके और यहाँ से निकाल दें, आपसे छूट जाए, सारी आपसे आपकी यहाँ से निकल के छूट जाए, क्योंकि जो छेद हो गया ना ये बड़ा फायदे का, ये छेद नहीं था इसलिए इधर से दबाइए तो, जैसे कहते हैं समुद्र को एक तरफ से दबाइए तो दूसरे तरफ निकल जाए, लेकिन अगर उसमें अगर एक जगह बना दी जाए तो बह जाएगा, इसे एक तरफ से अगर दबाइएगा दूसरे तरफ से निकलेगा नहीं, वो बाहर निकल आएगा। प्रयत्न लेकिन करें और सोचें अपनी ओर, देखें कि हमारे अंदर क्या पवित्र चीज है, जैसे हमारी माँ का नाम है ऐसे ही हमें निर्मल होना, और हमारे हमारे अंदर क्या पवित्र चीज है दूसरों के अंदर नहीं, फिर यही बात आती है। अभी मैं देख रही हूँ किसी को लग रहा है कि हाँ उनमें ऐसा उनमें ऐसा, ये नहीं, मेरा मतलब हमारे अंदर क्या, मतलब हम जो हैं इसके अंदर कौन सा, फिर हमारे मिस आइडेंटिफिकेशन से है, मतलब हमने किसी को अपने को समझ लिया है कि हम भाई ईसाई, हम मुसलमान, हम हिंदू, अब बस बाकी सब मिस आइडेंटिफिकेशन, हम हिंदुस्तानी सबसे अच्छे बाकी सब पैसा, ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन से, और सब भी सब कुछ कुछ सिर्फ सच एक ही है कि हम मनुष्य हैं, बिल्कुल उस सच्चाई पे एकदम आ जाए, रियालिटी पहले चीज आप उस पर आ जाए तब आपको बाकी की सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आप सब कुछ मिस आइडेंटिफिकेशन अपने जो है उनको देखते रहें पूरी समय हर समय। अभी हम क्या सोच रहे हैं, अभी ये सोच रहे हैं कि घर जाके हमें अभी खाना बना है, अभी यहाँ से कैसे सोच रहे कुछ लोग, ये सोच रहे हैं कि अब ऑफिस से ऐसे आए थे क्या हुआ, अब ऑफिस में कल क्या हुआ, तरह तरह की बातें लोग सोच रहे हैं, मुझे सब मालूम नहीं क्या कर, निर्विचारिता में मेरा भाषण सुनना चाहिए था, लेकिन ठीक इन्हें विचारों को ले लिया जाए। खाना हमारा बनाने वाला बैठा हुआ है, हम नहीं खाना बना, आप एक बार ये सोच के देखो, जब आपके अंदर ये भी चमत्कार हो गया कि आप बैठे बिठाए निर्विचारता में उतर गए, वो भी चमत्कार देखेंगे, क्योंकि मैटर भी तो उसी चैतन्य शक्ति से चलती, उसको भी देखें, खाना बनाने वाला बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे आपके प्रश्न जो हैं ऐसे सीधा निर्विचारिता में जाते ही आप समझ जाएंगे कि आप शरणागत परमात्मा से हो गए हैं, और निर्विचारिता में इसकी मदद आपके अंदर आ गई, आपको कुछ अगर और प्रश्न हो तो मुझे आज पूछिए, और आज ध्यान नहीं करेंगे हम, क्योंकि ध्यान का समय पहले हो चुका है, काफी अच्छा सबको ध्यान होगा, अगले वक्त में ध्यान होगा उस वक्त कुछ अगर हो सके तो मंत्र वगैरह पूजन वगैरह करा जाए, जिससे कि आपको विशेष रूप से कवच किया जाएगा, जिससे ये कि आप तक फिर कोई आफत है, बाहर जो शैतान लोग घूम रहे हैं इससे आप लोग और संकट में नहीं आए, वो ज़रूर आए। उसके बाद का प्रोग्राम पूना में है, जिनको पूना आना है पूना भी आ सकते हैं, लेकिन पूरे हफ्ते का प्रोग्राम ये दो हफ्तों में अगर आप अटेंड करें अच्छा रहे। अब जो मैंने बात कही है उससे विचार करें, अब मेरी बात से आपको कंडीशनिंग नहीं हो सकता, कंडीशनिंग भी यहाँ से निकल जाए, बात का जो सार है उतर जाए, कंडीशनिंग यहाँ से निकल जाए। रियलाइजेशन के बाद सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई चीज़ आपको चिपक नहीं सकती, उसकी जड़त्व जो है वो नहीं चिपक सकता, उसका चैतन्य स्वरूप चिपक सकता। मैंने मैं अगर उर्दू में बोलूँ, चाहे मैं फारसी में बोलूँ, चाहे मैं फ्रेंच में बोलूँ,
लेकिन उसकी जो चैतन्य शक्ति बह रही ना उस शब्दों में से, उसको आपके अंदर आ जाए, उससे सिर्फ वो जो वाइब्रेशन है वो आपको पकड़े, तो भाषण समझ में नहीं आने की जरूरत, उसका जो प्रेम है ना अंदर से वो आपके अंदर पकड़े। जैसे फूल का आपको नाम नहीं पता हो लेकिन शहद आपके अंदर उतरता है, सुगंध आपके अंदर उतरता है, सुगंध तो चैतन्य है और फूल का नाम जो है वो जड़ है, तो नाम आपके समझ में नहीं भी आए, सुगंध तो हर एक मनुष्य को आता है, हर एक मनुष्य को सुगंध आता है, किसी फूल को रखो तो सब बता सकती, चाहे वो अंग्रेज हो, फ्रेंच हो, चाहे इंडियन हो, सबको सुगंध आता है, उसको कोई भाषा करने की जरूरत है। इसी तरह से है परमात्मा का सुगंध जो ये चैतन्य शक्ति है, ये भी हर एक आदमी को आ सकती है, चाहे किसी भाषा में। इसे इस भाषण में जो मुझे कहना था तो दूसरी बात, लेकिन जो मुझे देना था वो दूसरी बात, वो अंदर आत्मसात हो जाए और उसके साथ जो कुछ अंदर गड़बड़ियाँ हुई है वो यहाँ से निकाल, अंदर चरवण होगा और उसके कारण जो कुछ भी चक्र घूम करके फेंकना चाहता उसको फेंक लेंगे, अपने हाथ से उसको निकाल, किसी का सर जरा भारी होगा और निकाल, सर जब भारी होता है तो दूसरों का पकड़ते हैं, अपना भी बचा कुचा निकल आता है, निकाल तो कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड से निकाल लेना, राइट हैंड में